गुड इवनिंग एवरी वन ओ वेरी गुड इवनिंग एंड वॉम वेलकम कैसे है आप सब लोग आई यू गाइज डूइंग गुड येस सो शुड बी स्टार्ट विथ टूडे क्लास ऑल राइट आ जाइए आ जाइए जल्दी जल्दी आ जाइए गुड इवनिंग गुड इवनिंग असलाकम जय माता दी राधे राधे चलिए लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर वन दैट इज इंग्लिश असेंशल्स ऑफ गुड इंग्लिश हम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर के साथ शुरुआत की थी हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े एट क्लासेस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े नाउन देखा था प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब वर्ब कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करने वाले हैं सो आर यू गा रेडी यस जय श्री कृष्णा जय श्री राम सारी दुनिया से जीत के मैं आई हूँ इधर तेरे आगे ही मैं हारी किया तूने क्या सर मैं जब जब सांसे लेती हूँ तेरा ही नाम लेती हूँ ये तूने क्या किया आ गए क्या सब लोग यस yes, रेडी जल्दी से बता दो आ वी गुट टू गो चलिए फिर अच्छा आप लोगों ने पहली बार सुना ना थैंक यू थैंक यू सो मच ओके चलिए लेट स्टार्ट विद अ टाइप ऑफ वॉइस तो वो वॉइस ये वाले गाने की मतलब वॉइस की बात नहीं कर रहा था ये जो टाइप ऑफ वॉइस है इंग्लिश के अंदर दो टाइप ऑफ वॉइस होते हैं एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस लेट मी शो यू गाइस तो एक होता है यहां एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस वो होता है जो कि काफ़ी डायरेक्ट होता है सीधी बात नो बकवास क्लियर है एकदम ही शॉर्ट में जो हम बोलते हैं डायरेक्ट बोलते हैं जैसा है वैसा बोलते हैं उसे एक्टिव वॉइस कहा जाता है एंड व्हाट इज़ पैसिव वॉइस जब वही चीज़ घुमा फिरा के बात की जाती है घुमा फिरा के घुमा फिरा के वही सेम बात की जाती है वही सेम बात की जाती है उसे पैसिव वॉइस कहा जाता है एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं एग्ज़ाम्पल किसका लेंगे जिन लोगों ने कल कमेंट किया था तो किसने कल कमेंट किया था फरान का एग्ज़ाम्पल लेते हैं फरान शेख का तो एक्टिव वॉइस इज़ फरहान पेंटिंग द रूम दिस इज़ एक्टिव वॉइस क्या कि फरान रूम पेंट कर रहे थे फरान वॉज पेंटिंग द रूम ये हो गया एक्टिव वॉइस सीधी सीधी में बात सीधी सीधी भाषा में मैंने आपको बता दिया कि फरान क्या कर रहे थे अपना जो रूम है वो पेंट कर रहे थे फरान वॉज पेंटिंग द रूम लेकिन अब जब मैं पैसिव वॉइस की बात कर रही हूँ तो फिर मैं क्या बोलूँगी द रूम वॉज बींग पेंटेड बाय फरहान ये रूम पेंट हो रहा था बाय फरहान यस yes? और एक एग्जाम्पल लेते हैं श्रुति वॉज वॉकिंग बाय द पार्क या श्रुति वॉज वॉकिंग एट द पार्क अभी इसका पैसिव वॉइस क्या होगा लेट मी राइट इट डाउन श्रुति वॉज वॉकिंग एट द पार्क वट विल बी द पैसिव वॉइस जल्दी से एक बार बता दो वॉकिंग वॉज बींग डन एट द पार्क बाय श्रुति यस ये बात कैसे हुई घुमा फिरा कर हुई ना तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है पैसिव वॉइस कहा जाता है समझ में आया ओके ऑल राइट चलिए तो दिस इज़ एक्टिव वॉइस एंड दिस इज पैसिव वॉइस ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है शायद एक आध बार कभी आपको इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं नो श्योरिटी सो एज अ जनरल रूल वी शुड ऑलवेज यूज एक्टिव वॉइस एक्टिव वॉइस क्योंकि बहुत शॉर्ट होते हैं डायरेक्ट होते हैं और एम्पथेटिक होते हैं पैसिव वॉइस घुमा फिरा कर होते इसमें बात ही चेंज हो जाती है सब कुछ चेंज हो जाता है बात वही रहती है सिर्फ चीज़ें चेंज हो जाती है येस ऑल राइट सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विथ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फो टूडे दैट इज आर्टिकल्स यू गाइस इसको आप लोग ना चार स्टार मार्क करके अभी से रख दो क्योंकि आपको पता है ये जो टॉपिक है ना इस पर आपको हंड्रेड परसेंट बहुत सारे क्वेश्चन पूछने ही पूछने वाले हैं किस पे आर्टिकल्स पे सो so, इसे ना आप चार स्टार मार्क कर दो आप बोलोगे दीदी ये तो बहुत ही ईजी टॉपिक है ये तो हमको पहले से ही आता है वट इज़ आर्टिकल्स डू यू नो आर्टिकल्स ए एन और द ये हम लोगों ने पढ़ा था बचपन में तो दो टाइप के आर्टिकल्स होते हैं एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल मतलब जो थिंग टॉकिंग अबाउट तो जब आप कोई स्पेसिफिक चीज की बात करते हो तो उसके आगे वो शब्द के आगे वो नाउन के आगे आप क्या लगाते हो द लगाते हो द एप्पल द पार्क द टीवी तो हम वो स्पेसिफिक चीज कि जब भी बात करते तब द यूज करते द ताजमहल इन आर्टिकल इन आर्टिकल ऐसे आर्टिकल होते हैं जिसको हमें नहीं पता है कि वो हम किस चीज के लिए यूज कर रहे कौन से चीज के लिए यूज कर रहे इट कैन बी एनी और इसमें आते हैं दो टाइप्स एक है अ और दूसरा है एन तो आप जब कोई भी शब्द के आगे कोई भी नाउन के आगे अ लगा देते हो अ पेन अ बॉटल अ बुक मतलब एक बॉटल एक पेन एक बुक यस yes? और वो कोई भी हो सकता है ये साफ से लूट ली यहाँ पर कोई डेफिनेट बुक या डेफिनेट पेन की बात नहीं कर रहे हैं कोई भी पेन कोई भी बुक लेकिन एक यस yes? तो तब हम लोग अ यूज करते हैं अ बुक मतलब एक बुक अ पेन मतलब एक पेन यस ऑल राइट यूजली नाउन जो कि काउंटेबल है जो कि एक ही है तो उसके आगे हम लोग अ यूज करते हैं और जो डेफिनेट नहीं है उसके आगे भी हम लोग यूज करते तो फिर दीदी -दी ये जो एन है ये कहाँ आता है एन आता है वोविल्स के साउंड करने वाले शब्दों के आगे जो ऐसे शब्द है जो वोवल्स के जैसा साउंड करते आपको वोविल्स पता है तो हमारे इंग्लिश में ए, ए आई ओ यू इसे वोवल्स कहा जाता है तो जब भी कोई ऐसा शब्द है जो कि वॉवल्स जैसा साउंड करता है जैसे कि एलिफेंट यस तो एलिफेंट के आगे एन लगेगा एप्पल के आगे एन लगेगा ऑनेस्ट भले ही स्पेलिंग एच से चालू होता है ऑनेस्ट का लेकिन साउंड कैसा आ रहा है ऑनेस्ट यस तो ऑनेस्ट के आगे भी एन लगेगा समझ आई क्या बात यस ओके okay. तो जब भी कोई वोवेल वाले शब्द वोवेल वाला साउंड आएगा तो हम एन लगाएंगे जब भी कोई सिंगुलर नाउन है तो उसके आगे हम अ लगाएंगे जब हम कोई स्पेसिफिक चीज की बात करें तब हम लोग द लगाएंगे सिंपल है एकदम ज्यादा ओके okay. इसमें आपको ऐसे कोई भी फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं ठीक है ओके

आर्टिकल्स है। ऑल राइट मूविंग फॉरवर्ड टू आर वी गुड टू गो एक बार जल्दी से बता देंगे यस यस येस यस ओके डन द नेक्स्ट द नेक्स्ट द नेक्स्ट थिंग इज टेन्स तो यहाँ पर आपको कोई ये नहीं पूछेगा कि बताओ सिंपल पास टेंस कौन सा है बताओ परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस कौन सा है ऐसा कोई भी नहीं पूछने वाला है ये आपको टेंसेज इसलिए दिए हुए हैं ताकि आपको पता चले कि किसका मतलब क्या है क्या है भूतकाल क्या है भविष्यकाल क्या है वर्तमान काल यस yes. सो so, ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इजी है ज्यादा दिमाग को स्ट्रेस देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि इसके ऊपर आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं फिल इन द ब्लैंक टाइप जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि आई डैश एट द पार्क आई डैश एट द पार्क ऑप्शन ए है आपका आई एम ऑप्शन बी है आपका गो ऑप्शन सी है आपका गोज और ऑप्शन डी है आपका विल तो आप बताइए क्या सही ऑप्शन है आई एम एट द पार्क आई गो एट द पार्क आई गोज एट द पार्क या फिर आई विल एट द पार्क क्या आएगा यहां पे ऑप्शन में से आंसर करना है आई वॉज एट द पार्क क्या ओके okay. द करेक्ट आंसर इज येस वेरी गुड वेरी गुड मुझे पता है आपको याद है ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था आई एम एट द पार्क यस वाई ये आपको क्यों समझ में आया क्योंकि आपने सब कुछ हर एक वर्ड को लगा के देखा आपको समझ में आ गया कि यही परफेक्ट बैठ रहा है है ना तो बस यही चीज़ हमें टेंसेस के क्वेश्चंस में भी करनी है तो चलिए फिर भी एक बार देख लेते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टेंसेज एक है पास्ट टेंस पास्ट टेंस मतलब जो हो चुका है प्रेजेंट जो चल रहा है और फ्यूचर जो आगे होने वाला है जिसके लिए हम लोग वो कुंडली उंडली दिखाते हैं ना बस वही है फ्यूचर टेंस ओके सो सबसे पहले अगर मैं सिंपल पास्ट की बात करती हूँ सिंपल पास्ट आई डिड माई होमवर्क मैं अपना होमवर्क कर चुकी हूँ कंटिन्यूअस पास्ट आई वॉज डूइंग माई होमवर्क मैं अपना होमवर्क कर रही थी परफेक्ट सिंपल पास्ट आई हैड डन माई होमवर्क मैं अपना होमवर्क कर चुकी एंड परफेक्ट कंटिन्यूस आई हैड बिन डूइंग माई होमवर्क मैं अपना होमवर्क कर रही थी अभी हम लोग प्रेजेंट की बात करें तो सिंपल प्रेजेंट इज आई डू माई होमवर्क मैं अपना होमवर्क कर रही हूँ कंटिन्यूअस प्रेजेंट इज आई एम डूइंग माई होमवर्क मैं अपना होमवर्क कर रही हूँ परफेक्ट सिंपल प्रेजेंट इज आई हैव डन माई होमवर्क मैं अपना होमवर्क अभी अभी कर चुकी हूँ परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट इज आई हैव बिन डूइंग माई होमवर्क मैं अपना होमवर्क कर रही हूँ ये नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूचर एंड सिंपल फ्यूचर इज आई विल डू माई होमवर्क मैं अपना होमवर्क करूँगी कंटिन्यूस फ्यूचर इज आई विल

टिकट इज टाइप्स ऑफ सेंटेंस ये वैसे तो कुछ काम का नहीं है बट फिर भी एक बार देख लेते हैं कौन से कौन से टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं कोई भी सेंटेंस में ना एक ऐसा पार्ट होता है जो कि मेन क्लॉज होता है जो कि प्रिंसिपल क्लॉज होता है यस, बिकॉज इट मेक्स गुड सेंस बाय इट और एक ऐसा पार्ट होता है जो कि सबॉर्डिनेट क्लॉज होता है जो कि डिपेंडेंट क्लॉज होता है अगर वो सेंटेंस में नहीं भी रहता तो भी चल जाता तो इसीलिए उसे डिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है ये आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा अभी इतना कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है जो इम्पोर्टेंट है वो अभी हम चालू करते हैं प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज इसे कहते हैं जो कि सेंटेंस का सबसे मेन पार्ट है और जो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है सेंटेंस का उसे आप डिपेंडेंट या सबॉर्डनेट क्लास कह सकते हो ओके सो यहां पर आपको कुछ टाइप ऑफ सेंटेंसेस दिए हैं सबसे पहला है लूज सेंटेंसेस लूज सेंटेंसेस ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं कि जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ना जब वैसे ही हम लोग लिखते हैं उसे लूज सेंटेंसेस कहा जाता है आई वॉज थिंकिंग अबाउट गोइंग टू द कैफे वंस वी आर द क्लास ये क्या है जैसे अगर मैं बात करती थी आपके साथ तो मैं ऐसे बोलती थी यही सेम चीज जब मैं लिखती हूं कोई लेटर में तो इसे लूज सेंटेंसेस कहा जाता है क्यों बिकॉज इट इज वेरी क्लोज टू द स्पोकन फॉर्म जैसा मैं बोल रही हूं मैं वैसा ही लिख रही हूं यस yes? दूसरा है पीरियोडिक सेंटेंसेस पीरियडिक सेंटेंसेस यहां पर आप लिख लो ताम वाले होते हैं ऐसे सेंटेंसेस जो ताम जाम वाले हैं उसे पीरियोडिक सेंटेंसेस कहा जाता है दे आर वेरी डिफ़िकल्ट टू राइट घुमा फिरा के बात की जाती है जैसे हम लोगों ने पैसिव वॉइस में देखा था ये भी थोड़ा बहुत वैसे ही टाइप के होते हैं यूजुअली हम ये प्रेफर नहीं करते सो पीरियोडिक सेंटेंसेस आर डेकोरस एंड एम्पोथेटिक बट मोर डिफ़िकल्ट टू राइट ये लिखने में काफ़ी डिफ़िकल्ट जाता है डिफ़िकल्टी जाती है इसको लिखने में शॉर्टर सेंटेंसेस क्या है सबसे इजी टू राइट सेंटेंस बहुत ही जल्दी समझ में आ जाए जैसे अगर मैं बात करूं शॉर्टर सेंटेंस की सो व्हेन आई से ऋषिका सेचिशा सॉरी रिचिशा इज अ गुड गर्ल रिचिशा लाइक स्टूडेंट्स ऋषिका रिचिका सॉरी रिचिका इज

लिखे दीज आर शॉर्टर सेंटेंसेस आप इसको एक ही सेंटेंस में ला सकते थे लेकिन क्या आपने लाया नहीं आपने सारे अलग अलग सेंटेंसेस को छोटे छोटे फॉर्म में लिखा तो बहुत ही इजी होता है समझने के लिए और और एक टाइप है लॉन्गर सेंटेंसेस जो कि लंबे चौड़े सेंटेंसेस होते हैं दीज आर मोर प्रोन टू ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एंड दे नीड केयरफुल थॉटफुल प्लानिंग क्योंकि अगर आप प्लान करोगे तभी तो आप अच्छे से लिख पाओगे क्योंकि ये लोंगर सेंटेंस है सो वेन आई से एक तो नाम ही इतना हार्ड है ऊपर से अगर मैं बोलने लग जाऊँ कि रिचि शाह इज अ गुड गर्ल एंड इज वेल बिहेव यूजअली लाइक्स टू रीड एंड इज गोइंग टू कम एट दिस प्लेस बाय नोन यस तो जब इतना सारा चीजें एक ही सेंटेंस में लिखना होता है तो इधर आप चांसेस की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सके तो हमें यूजुअली दीदी कौन सा टाइप यूज करना चाहिए शॉर्ट या फिर लॉन्ग हमें यूजुअली ना मिक्स ऑफ एवरीथिंग यूज करना चाहिए सो so दैट जो रीडर है उसका इंटरेस्ट बना रहना चाहिए यस ओके खे डोखे वी गुड टू गो जल्दी से बता दो क्या बात है सही राइंग बैठ गया आ वी गुड टू गो जल्दी से बता दो मोए मोए हो गया Kind of. So the next topic is prefix. जब भी लिख लो यहां पर जब भी कोई शब्द के आगे लिख लो यहां पर शब्द के आगे कोई शब्द लगता है उसे क्या कहा जाता है उसे प्रीफिक्स कहा जाता है क्या कहा जाता है प्रीफिक्स कहा जाता है यस yes? ऑल राइट एंड वी आर टू द्रुप ऑफ प्रीफिक्सिस जैसे कि मैं अगर आपको बोलू की एडवांटेज करके एक शब्द है एडवांटेज के आगे मैंने लगा दिया डिस एडवांटेज तो ये जो डिस है ना ये डिस क्या है दिस डिस इज प्रीफिक्स एडवांटेज के आगे मैंने एक शब्द लगा दिया डिस लगा दिया डिसएडवांटेज बन गया वो तो ये डिस क्या है प्रीफिक्स है प्रीफिक्स ऐसे बहुत सारे प्रीफिक्सेस हैं तो क्या दीदी दी हमें ये सारे प्रीफिक्सेस लर्न करने की जरूरत है नो एब्सोल्युटली नॉट क्योंकि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे प्रीफिक्सेस हैं लेकिन कौन से कौन से टाइप्स है आप इसको जरूर याद रख सकते हैं सबसे पहला है सपोर्टिव प्रीफिक्स सपोर्टिव प्रीफिक्स रूट वर्ड को सपोर्ट करता है जैसे कि चॉइस के आगे, आगे आपने प्रो चॉइस लगा दिया मैक्स uh, के आगे आपने प्रो मैक्स लगा दिया मार्केट के आगे आपने प्रो मार्केट लगा दिया तो दीज आर सपोर्टिव ये जो रूट वर्ड है उसको सपोर्ट करता है इसीलिए इसका नाम है सपोर्टिव प्रीफिक्स दूसरा है अपोजिंग प्रीफिक्स ये एकदम अपोजिट होता है जो रूट वर्ड है उससे जैसे अगर रूट वर्ड है क्लॉकवाइज तो अपोजिंग प्रीफिक्स क्या बोलेगा एंटी क्लॉकवाइज मैं बोलती हूँ आपको एग्जाम्पल आप मुझे देते हो काउंटर एग्जाम्पल मैं आपको करती हूँ अटैक आप करते हो काउंटर अटैक यस सो काउंटर एंटी ये सारे क्या है अपोजिंग प्रीफिक्स है नेक्स्ट इज नेगेटिव प्रीफिक्स जहाँ पर रूट विक ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट लॉयल डिस क्योंकि ये जो सारे प्रीफिक्स है ये हम लर्न तो नहीं कर सकते ऑब्वियसली क्योंकि बहुत सारे अरे 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 वेट अ मिनट चैम्स अभी भी बफर हो रहा है क्या नहीं ना एक ही सेकेंड के लिए बफर हुआ था चलिए ठीक है रेवर्सेटिव प्रीफिक्स की अगर मैं बात करूँ रेवर्सेटिव का मतलब है जो चीज़ हो रही थी उसको आपने अंडू कर दिया जो चीज़ आप कर रहे थे उसको अंडू कर दिया यस, yes, जैसे कि मैं लॉक कर रही थी तो रेवर्सेटिव में लॉक का क्या हो जाएगा अनलॉक हो जाएगा कैप का अनकैप हो जाएगा ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट हो जाएगा सिलेक्ट का डिसलेक्ट डिसलेक्ट हो जाएगा यस yes, तो इसे क्या कहते हैं इसे रेवर्सेटिव प्रीफिक्स कहा जाता है ये ऐसे प्रीफिक्स होते हैं जो कि डिनोट करते द एक्ट ऑफ अनडूइंग द प्रीवियस एक्ट जो पहले हो रहा था उसको आप अनडू कर रहे हो नेक्स्ट इज डेरिवेटिव प्रीफिक्स यहाँ पर आप कोई चीज को रिमूव कर रहे हो जैसे कि बग आ चुका है तो आप उसको डीबग कर रहे हो फ्रॉस्ट जम चुकी है तो आप उसको डीफ्रॉस्ट कर रहे हो आपने कुछ चीज को कैप किया है आप उसको अनकैप कर रहे हो कुछ चीज को कवर किया उसको अनकवर कर रहे हो ऑल ऑफ दीज आर डेरिवेटिव प्रीफिक्सेस पेजोरेटिव प्रीफिक्स जहाँ पे कुछ गलत बात हो रही है कुछ तो गलत हो रहा है गलत उसे पेजोरेटिव प्रीफिक्स कहा जाता है जैसे कि कैलकुलेट करना था लेकिन आपने क्या कर दिया मिस कैलकुलेट कर दिया मैनेज करना था फंड्स को आपने मिसमैनेज कर दिया गड़बड़ घोटाला कर दिया गलत चीज़ कर दी बैड कर दिया रॉन्ग कर दिया उसे आप पेजोरेटिव प्रीफिक्स बुला सकते हो यस yes? अच्छा हर एक शब्द यही इसके अंदर आएगा यही कैटेगरी के अंदर आएगा जरूरी नहीं है कोई ऐसे भी शब्द होते हैं जो दो कैटेगरीज में भी फिट हो सकते हैं नेक्स्ट इज प्लेस प्रीफिक्स जो प्लेस को इंडिकेट करता है दैट इज प्लेस प्रीफिक्स जैसे कि सरकम 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 नेविगेट सर्कम वेंट एक्स्ट्रा कारिकुलर जो आपके के बाहर का है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है extraordinary है वॉट मिनी बस मेगा स्टार मिनी कैब टाइम प्रीफिक्स जो कि टाइम को डिनोट करता है आई वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नागपुर चैप्टर ई वॉज द एक्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नागपुर चैप्टर मतलब मैं पहले थी यस नेक्स्ट इज नंबर प्रीफिक्स नंबर प्रीफिक्स नंबर डिनोट करता है जैसे कि मोनोपली या फिर बाइलिंग हेगाग्राम सेमी कंडक्टर मिली सेकेंड ये सारे नंबर प्रीफिक्स है स्टेटस प्रीफिक्स जो कि स्टेटस को डिनोट करता है दैट को फाउंडर ऑफ सी एस कार्ड इंडिया को पार्टनर ऑफ सी एस कार्ड इंडिया आई एम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आईसीएसआई नागपुर चैप्टर यस ओके क्लास चेंजिंग प्रीफिक्स क्लास चेंजिंग प्रीफिक्स जहां पर और शब्द का मतलब ही चेंज हो जाता है हालात बदल जाते हैं सब कुछ बदल जाता है यस yes? कोड का एनकोड हो गया शोर का एनशोर हो गया रोल का एनरोल हो गया बाक का एम्बाक हो गया बाक मतलब भोंकना एमबाक मतलब कोई नई चीज़ की शुरुआत करना अच्छा जो भी ये सारे कैटेगरीज में नहीं आते वो सारे मिसलेनियस कैटेगरी में आते हैं जैसे कि यूरोल योरोकरसी पैरालिंग पैरा लीगल कॉजी इंटेलेक्चुअल सेल्फ सैटिस्फैक्शन सेल्फ मोटिवेटिंग ये कोई भी ऊपर के कैटेगरी में नहीं आता इस, इसीलिए इसको मिसिलेनियस में डाल दिया गया है सेम ऐसे ही जितने भी सारे प्रीफिक्सेस हमने पढ़े सेम ऐसे ही और एक होता है जिसका नाम है सफिक्स ये सारे जो हमने ऊपर देख लिए वो प्रीफिक्स थे जो कि रूट वर्ड के पहले लगते थे उसके आगे लगते थे लेकिन सफिक्स क्या होता है जो रूट वर्ड के पीछे लगते हैं, उसे सफिक्स कहा जाता है जैसे रूट वर्ड के पीछे अगर कोई शब्द लगता है मैंने कहा ब्यूटी आपने कहा फुल तो क्या बन गया ये जो फुल है ना ये सफिक्स है जो रूट वर्ड के एंड में लगता है यहां पर शब्द आपको क्या रखना है याद एंड जो रूट वर्ड के एंड में लगता है तो इसके एग्जाम्पल्स है इसमें नाउन सफिक्स वर्ब सफिक्स सफिक्स एडवर्ब कुछ भी हो सकता है इसका कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है बहुत सारे सफिक्स के एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं जैसे ओडेसिटी एरोगेंट तो एंड लगा यहां पर होमेज पोस्टेज एज क्या है एज इज अ सफिक्स फिर उसके बाद एटीट्यूड ट्यूड क्या है सफिक्स है ग्रेटिफाई पैसिफाई ब्यूटिफाई क्या है सफिक्स है अनकाउंटेबल एबल क्या है सफिक्स है रीडेबल रिलायबल टेरेबल यस और आप एग्जाम्पल्स ले सकते हो सरप्राइजिंग ली ग्रेट ली तो ली भी क्या है सफिक्स है यस आर वी डन आ वी गट टू गो एवरी वन चलिए ठीक है अब हम लोग आ जाते हैं पंक्चुएशन पे ये सारे काफी इजी पीजी लेमन स्क्वीज़ी टाइप की चीजें थी अब हम लोग पंक्चुएशन पे आ गए हैं ये उससे भी ज्यादा इजी है सो बेसिकली पंक्चुएशन के अंदर आपको फुल स्टॉप कॉमा क्वेश्चन मार्क हाइफिन ब्रैकेट ये सारी चीजें दी हुई है जितने भी पंक्चुएशन इंग्लिश ग्रामर में यूज होते बेसिकली वो सब आपको दिए हैं सबसे पहला है स्टॉप कॉमा इनवर्टेड कॉमर्स एक एक करके देखते हैं द वेरियस पंक्चुएशन यूज इन इंग्लिश लैंग्वेज आर कैपिटल लेटर्स गोल्डन अंडरलाइन स्पेस फुल स्टॉप डैश कोटेशन इटैलिक्स हाइफ इन स्ट्रोक बोल्ड अ पॉस्ट ऑफ यास्टर क्वेश्चन मार्क पैराग्राफ कॉमा एब्रिवेशन ब्रैकेट एक्सक्लेमेशन बहुत सारी चीजें यार तो सबसे पहला है स्पेस दो शब्दों के बीच में जो स्पेस होती है वो स्पेस की ये बात कर रहे हैं एक सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस के बीच में जो स्पेस होती है उसकी बात कर रहे हैं एक पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ के बीच में जो हम स्पेस छोड़ते हैं जो जगह छोड़ते हैं उसकी वो बात कर रहे हैं एक चैप्टर जब खत्म हो जाता है तो हम नीचे की सारी स्पेस छोड़ देते हैं और दूसरे नए पेज से चालू करते हैं दैट इज स्पेस सबसे ज्यादा बेसिक है आपको ऑलरेडी पता होगा नेक्स्ट इज फुल स्टॉप फुल स्टॉप को आप स्टॉप पॉइंट या पीरियड भी बोल सकते हो ये यूजुअली अगर कोई सेंटेंस क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन से एंड नहीं होता है तो फुल स्टॉप से ही एंड होगा यस yes, ये भी आपको बहुत ही ज्यादा बेसिक है ऑलरेडी पता है नेक्स्ट इज कॉमा तो कॉमा कब लगता है इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ईजी टू यूज पंक्चुएशन मार्क विद इन अ सेंटेंस जब आपको दो एक ही सेंटेंस है लेकिन उसके जो दो अलग-अलग पार्ट्स है ना उसको अलग करना है उसमें एक ठहराव लाना है एक पॉज लाना है या फिर एक कंजंक्शन का काम आपको चाहिए कि वो जो कॉमा है वो कर सके तो इसीलिए आप एक कॉमा डालते हैं यस ओके हाइफन हाइफन इज यूज्ड बिटवीन वर्ड्स टू क्लेरिफाई मीनिंग जैसे कि अगर शब्द का नाम है क्रिप्टो करेंसी तो क्रिप्टो के बाद मैं एक हाइफिन लगा दूँगी और फिर करेंसी ऐसे लिख लूँगी तो इससे ना पढ़ने में आसानी हो जाती है तो यूजुअली हाइफिन जो जोड़े हुए शब्द होते हैं ना उसके बीच में यूज़ होता है कॉम्बिनेशन वर्ड्स के बीच में हाइफिन यूज़ होता है ऑल right? चलिए नेक्स्ट इज सेमी कोलिन सेमी कोलिन आप तब यूज़ करते हो जब एक ही सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है जिसका इक्वल इंपॉर्टेंस है जैसे ये सेंटेंस का ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है ये सेंटेंस का ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है तो इनके बीच में हम लोग सेमी कोलिन डाल देते हैं अच्छा कोलन एक बहुत इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क है कोलन कुछ इस तरह का होता है जब भी हमें कोई एग्जाम्पल इंट्रोड्यूस करना होता है हम लोग क्या लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल और फिर हम लोग क्या दे देते हैं कोलन दे देते हैं या फिर अगर हमें बताना होता है कि शालू सेड शालू सेड और फिर हम लोग ऐसा दो डॉट uh, दे देंगे मतलब कि कोलन दे देंगे यस yes, तो कोलन के काफ़ी सारे यूज़ेस हैं टू इंट्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ एग्जाम्पल टू इंट्रोड्यूस एक्सप्लेनेशंस टू इंट्रोड्यूस कोटेशंस और डायरेक्ट स्पीच ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग कोलन यूज़ करते हैं अब कब यूज़ करते हैं जब हमें पजैशन शो करना होता है जब मुझे कहना है दैट दिस इज शिवीज बुक शिवीज बुक दिस इज शिवीज बुक तो मैंने यहां पर क्या दे दिया अपोस्ट्रोफी ये जो पंक्चुएशन मार्क है ये दे दिया दिस इज कॉल्ड एज अपोस्ट्रोफी सो इट इज यूज टू डिनोट पोजेशन एंड अदर काइंड ऑफ रिलेशनशिप ये यूजअली हम लोग पोजेशन शो करने के लिए अपोस्ट्रफी यूज करते हैं दिस इज प्रार्थनाज बुक यस yes? तो जो अपोस्ट्रोफी ऐस लगाया दैट इज nothing but a apostrophe okay कोटेशन मार्क्स कोटेशन मार्क्स हम लोग ना इन्वर्टेड कॉमास भी कहते हैं इसको ये हम लोगों को जब भी कोई एग्जांपल बताना है या फिर हमें बताना है कि इन्होंने ये चीज कही जैसे अगर मुझे बोलना है रोशन said मैम देन वॉट इज दिस कॉम्बिनेशन तो मैं कैसे लिखूँगी रोशन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास मैम वट इज़ दिस कुछ तो भी कुछ तो भी कॉम्बिनेशन और पोस्ट्रफी इसका मतलब है जैसा रोशन ने कहा वर्ड टू वर्ड मैंने वही यहाँ पर लिखा हुआ है उनकी ही बोल मैंने यहाँ पर लिखी हुई है यस yes? ओके okay. ये जो है दिस इज नथिंग ये आपको यूज करने की भी जरूरत नहीं है ये जो है दिस इज कॉल्ड एस कोलन इसे ही तो कोलन कहा जाता है जब हम लोग कोई भी एग्जाम्पल यूज करते हैं तो हम कोलन ही तो यूज कर रहे होते हैं यस रोशन आई होप योर रोशन यस आई होप योर डाउट इज क्लियर ओके सो इन्वर्टेड कॉमास क्यों यूज़ करते हैं अगर हमें बताना है कि इन्होंने ये चीज़ कही है तब हम इन्वर्टेड यूज कर सकते हैं या फिर अगर हमें कोई डायरेक्ट स्पीच वाला सेंटेंस लिखना है या फिर हमको ऐसा कोई टेक्स्ट इंट्रोड्यूस करना है जो कि ये मटेरियल का है तब भी हम लोग कोटेशन मार्क्स यूज़ कर सकते हैं अभी बात करते हैं ब्रैकेट्स की तो ब्रैकेट्स भी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं एक होता है ऐसा क्रेसेंट शेप का ब्रैकेट मून शेप का ब्रैकेट तो मून शेप के ब्रैकेट्स हम लोग क्यों यूज करते हैं जब हमें चाहिए कि ये जो चीज जो हमने यहाँ लिखी है ना ये इसका शॉर्टकट है ये हमें उनको बताना है तो हम लोग ये क्रेसिन शेप के ब्रैकेट्स यूज करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ऐसा करके मैंने लिख दिया और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया एम सी ए सबको समझ आ जाएगा कि इसका फुल फॉर्म यहाँ पर था और यहाँ पर इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है उसका एक्रेनिम लिखा हुआ है दैट इज एम सी ए यस और एक टाइप है स्क्वायर ब्रैकेट्स ये जो ऐसे वाले ब्रैकेट्स होते हैं ना इसे स्क्वायर ब्रैकेट कहा जाता है तो जब भी अगर आपने किसी ने नॉवल पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि कुछ कुछ चीजें ना इसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा होता है तो हमें समझ ही नहीं आता कि ये स्क्वायर ब्रैकेट में क्यों है तो आपको अभी मैं ना एक एग्जाम्पल देती हूँ द एग्जाम्पल इज लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ समवन जिन्होंने कल के इसमें कॉमेंट किया था जैनब zainab and her sister asta went to the park went to the park Yamani I kalika zainab and her sister आस्था वेंट टू द पार्क अब मुझे या सामने वाले रीडर को कंफ्यूजन ना हो कि जैनब और उसकी बहन कौन सी वाली बहन जैनब की तो तीन चार बहनें हैं तो इसीलिए वो मेंशन किया जाता है आस्था सो so, आस्था इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस उनको सेंटेंस का पार्ट नहीं काउंट करते लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है सो so दैट भले ही ये सेंटेंस का पार्ट नहीं है बट आपके क्लैरिटी के लिए आपको पता होना चाहिए कि जैनब और उसकी बहन कौन सी वाली बहन आस्था ये बताने के लिए वो लोग ये स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं सो दैट जो सेंटेंस का फ्लो है ना वो टूट ना जाए समझ आई आपको बात ओके okay, डोके okay. और एक है स्क्वायर ब्रैकेट्स ये तो हमने ऑलरेडी अभी अभी कर लिया और एक होते हैं ऐसे वाले ब्रेस ब्रैकेट्स या फिर एंगल ब्रैकेट्स ब्रेस ब्रैकेट्स यूजुअली ना जब हमें ऑप्शन चूज करने के लिए किसी को देना है कि बताओ व्हाट इज दिन आउट अमंगस्ट ऑरेंज कीवी एप्पल मैंगो इसमें से बताओ ऑर्डमिन आउट कौन सा है और ये मैंने ब्रेस ब्रैकेट क्लोज कर दिया अब आप बोलोगे दीदी ऑरेंज है क्योंकि ऑरेंज एक कलर भी और एक फ्रूट भी है येस सो यस दैट इज द करेक्ट आंसर इसके लिए आप ब्रेस uh, ब्रैकेट का यूज़ कर सकते हो और एंगल ब्रैकेट पता है यूजुअली क्यों यूज होते हैं एंगल ब्रैकेट्स तब यूज़ होते हैं जब आपको कोई मैथ्स का मैथमेटिक्स का कोई इक्वेशन लिखना है मैथ्स का कोई सम लिखना है कुछ तो स्पेशलाइज टेक्स्ट है टेक्निकल वर्क है तो उसके लिए आप एंगल ब्रैकेट्स का यूज कर सकते हो यूजअली गेम्स को ये करने के लिए जो भी कंप्यूटर कोडिंग के प्रोग्राम है वो लिखने के लिए हम लोग एंगल ब्रैकेट्स यूज करते हैं उसका स्पेसिफिक लैंग्वेज होता है येस yes? सो वर द पंक्चुएशन दर विज एस सो बी सो और फुल स्टॉप कि ऐसा होता है हमने कॉमा देखा हाइफ़न देखा सेमी कोलन देखा कोलन देखा अपॉस कोटेशन मार्क मार्किन ब्रैकेट स्क्वेयर ब्रैकेट ब्रेस ब्रैकेट एंड एंगल ब्रैकेट यस ऑल राइट सो आ वी गुड टू गो जल्दी से एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दो आ वी गुड टू गो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दो यस yes? should I move forward चलिए क्लियर है सब कुछ इजी था ना काफी जितना आपको लग रहा था अरे दीदी ग्रामर इंग्लिश हाँ दीदी ऐसा कुछ नहीं था ना ओके okay. चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड टू वोकैबलरी एक सेकेंड मैम वॉट इज द एग्जाम्पल ऑफ अदर काइंड ऑफ रिलेशन इन अपोस्ट्रफी अपोस्ट्रफी में आपको बोला है कि जैसे हम लोग पता है आपको योस फेथफुली योज सिंसियरली ऐसा सब लिखते हैं दिस इज द अदर काइंड ऑफ थिंग वी आर यूजिंग इट फॉर ये हम लोग लेटर राइटिंग के लिए यूज करें तो ये भी एक टाइप है यस yes, योज फेथफुली समझ आया दिस इज द अदर कॉन्टेक्स्ट और रिलेशनशिप इन विच वी आर यूजिंग इट चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड टू वो कैबलरी वो कैबलरी का मतलब क्या होता है वो कैबलरी का मतलब है अ पर्सनस ओन नॉलेज ऑफ वर्ड्स मुझे कितने शब्द आते हैं उससे डिसाइड होगा कि मेरी इंग्लिश कैसी है अगर मुझे बहुत सारे हाई फाई वर्ड्स आते हैं मतलब मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है येस yes? अगर आपको नहीं आते मतलब आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है हम लोग यूजुअली इंडिया में इससे ही जज करते हैं अरे इनफैक्ट अगर कोई थोड़ी अच्छी इंग्लिश बोल दे ना तो हम लोगों को ऐसे लगते हैं वाह भाई वाह क्या इंटेलिजेंट बंदा है क्या इंटेलिजेंट लड़की है इतना सारा इंग्लिश आता है इसको तो ये इंडिया का माइंडसेट है अगर किसी ने आपको सेम बात सेम बात इंग्लिश में बोल दी ना यू से ओ माई गॉड वट वाइज वर्ड्स हैव यू स्पोकन या ऑल राइट

पहली बात तो ये कि वोकेबलरी का मतलब होता है कोई भी लैंग्वेज के अंदर आपको शब्द कितने आते हैं हिंदी में बहुत सारे शब्द आते हैं मतलब आपका हिंदी का वोकैबलरी शब्द कोश अच्छा है अगर आपको इंग्लिश के बहुत सारे अच्छे अच्छे शब्द आते हैं तो मतलब आपकी इंग्लिश की वोकेबलरी अच्छी है यस सो आई एंड यूजअली माई हस्बेंड पार्शव वी यूजअली फाइट कि नहीं मेरी वोकेबलरी ज़्यादा अच्छी है मेरी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी है ये किससे डिसाइड होता है ग्रामर हम दोनों का वैसा ही है अच्छा ही है It is decided by the vocabulary. Yes? A poochinamat, who wins didi? Okay. चलिए यर आर सम ऑफ द रीजन्स जिसके वजह से वो आपको अच्छी होनी ही चाहिए आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी ही चाहिए जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए काम आता है बचपन में पता है इतना बड़ा पैसेज दे देते थे और फिर नीचे कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई होती थी और हमें वो क्वेश्चन के आंसर वो पैसेज को पढ़ के निकालने होते थे तो इसीलिए लिए वो काम आ सकते वो सेम अभी भी आपको करना है कॉम्प्रिहेंशन अभी भी आपको सॉल्व करना है कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए भी आपको वोकेबलरी काम आती है अच्छा आपके पर्सनल लाइफ में सोशल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको वोकेबलरी काम आएगी आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है ऐसे ही टाइम पास में लिखा हुआ है चलिए फिर स्टार्ट विद चॉइस ऑफ वर्ड्स सबसे पहली बात तो है कि कोई भी इंग्लिश का शब्द बोलने से पहले आप डिसाइड कैसे करते हैं कि ये शब्द यूज़ करना है या नहीं तो सबसे पहला जो फैक्टर है जिसके वजह से ये डिसाइड होता है दैट इज द रेंज और रेपिटोयर जो शब्द मुझे आता नहीं वो शब्द में यूज नहीं कर सकती सिंपल है अरे ऐसा शब्द जो आपको आता ही नहीं है आप यूज कैसे करोगे सो so पहली बात तो ये है कि वो शब्द आपको आना चाहिए तभी आप यूज कर पाओगे सो द रेंज और रेपिटॉयर का मतलब है यू शुड फर्स्ट नो वर्ड सो दैट यू कैन यूज द वर्ड ओके okay? डोके okay दूसरी बात है ऑडियंस किससे बात कर रहे हो किससे बात कर रहे हो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पेरेंट्स टीचर्स किस से उस पर डिपेंड करेगा अच्छा अगर ऑफिस में किसी से बात करो तो फॉर्मल कम्युनिकेशन रहेगा कोई और फ्रेंड व्रेंड है तो इनफॉर्मल भी चल लेगा कोई हमसे एल्डर है तो उससे थोड़ा रिस्पेक्टफुली बात करना पड़ेगा तो आपका ऑडियंस कौन है इस पर भी डिसाइड करता है कि आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स क्या रहने वाले हैं फ्रेंड है तो दो चार गालियाँ अरे साली अरे क्या क्या, क्या यूज़ करते हो आप लोग पता नहीं वो आप कब यूज़ करते हो जब फ्रेंड से बात कर रहे हो मम्मी पापा दोस्त वगैरह जो बड़े बड़े लोग हैं आपके उनसे आप कैसे बात करोगे यू विल टॉक इट विद अ डैश ऑफ पोलाइटनेस एंड या सोबर लैंग्वेज ओके और मोर देन फ्रेंड से तो कैसे बात करते हो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है दूसरी बात है आई I मीन mean, तीसरी बात है द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन फॉर्मली बात कर रहे हो इनफॉर्मली बात कर रहे हो रिटन में बात कर रहे हो ओरल में बात कर रहे हो यस सो द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विल ऑल्सो मैटर हियर द मैसेज यू इंटेंड टू कन्वे क्या मैसेज है जो आपको सामने वाले को देना है कौन से कॉन्टेक्स्ट में आप बोल रहे हो जैसे आई लव बैट्स दीदी बट हमारा तो ये क्लास चल रहा है ना वो कैबलरी का क्लास चल रहा है एकदम से आप ऐसा कैसे बता सकते हो कि आई लव बैट्स ये तो बहुत आउट ऑफ कॉन्टेक्स टॉपिक हो गया सो so, जो चीज पे बात चल रही है आप भी वही चीज पे बात करोगे सपोज किसी ने आपको पूछा कि आप साइंस की तरफ से हो या कॉमर्स की तरफ से हो नहीं सॉरी 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 किसी ने आपसे पूछा आप लड़के वालों के तरफ से हो या लड़की वालों के तरफ से हो तो आप थोड़ी ऐसे बोलोगे हम कॉमर्स की तरफ से है हम सी एस की तरफ से है ऐसा थोड़ी बोलोगे आप यस सो इट शुड बी इन द कॉन्टेक्स्ट एंड इट शुड बी इन कॉमन यूसेज रीजनल और नेशनल डिफ़रेंसेस हो सकते हैं जब भी आप चॉइस ऑफ वर्ड सेलेक्ट करो जैसे ऐसी सब चीजें ऐसी चीजें ऐसी चीजें ऐसी चीजें ये सारी चीजें ना कोरिया में ज़्यादा चलती है के ड्रामा जो भी देखते होंगे उन लोगों को ये बहुत अच्छे से पता होगी लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा ऐसा करता है ना हमें क्या लगता है हमें लगता है दिस इज वॉट नथिंग बट पैसे मांग रहा है कोई तू पैसा पैसा करती है तू यू नो सो दीज आर द रीजनल और द नेशनल डिफ्रेंसिस वी हैव इनके लिए ये कोरियन हार्ट है हमारे लिए ये पैसा पैसा है समझ आया एंड इम्प्रूविंग वो कैबलरी वो कैबलरी जितनी अच्छी होगी उतने ज़्यादा शब्द आप यूज़ कर पाओगे उतने ज़्यादा शब्द आपके पास रहेंगे सो दैट यू कूड चूज द वर्ड्स करेक्टली ऑल राइट सो लेट्स हैव अ लुक कि हम लोग राइट right वर्ड्स कैसे चूज करें देखो ये सब चीज़ें तो दीदी हमें समझ गए ये सब तो बहुत ही चिल्लर चीज़ें मतलब ये तो कॉमन सेंस है लेकिन हम सही शब्द कैसे चूज करें आप ये बता दीजिए तो सबसे पहली बात तो सिंपल वर्ड्स चूज करो सपोज मैंने आपको बोला आई एम फीलिंग अबाउट प्रोकैसिनेटेड टूडे सो आई प्रोकैसिनेटेड माई वर्क आप बोलोगे किया वट इज़ प्रोकैसिनेशन ये प्रोकैसिनेटेड होता क्या है मैं बोलूंगी अरे यार आज थोड़ा जान पे आ रहा था इसीलिए आज मैंने काम नहीं किया है यस yes? लेकिन मैंने कौन सा शब्द यूज़ किया थोड़ा फैंसी टाइप का अरे ऐसे शब्द यूज करो जो यूजली सबको पता हो या आते हो तो इससे क्या होगा इट विल बी ईजी अ फॉर द people to know what you are speaking. Okay? Use familiar words. Dono connected as simple words use karo. Aise words use karo jo sabko aate ho. तड़क भड़क वर्ड्स use करोगे out of the box वाले words use करोगे तो सामने वाले को कैसे समझेगा ना ऐसे जो कि फेमिलियर हो जैरगन यूज नहीं करना है तो दीदी जैरगन होता क्या है जैरगन इज अ लैंग्वेज दैट इज यूनिक टू अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ नॉलेज जैसे साइंस वालों के लिए वो लोग पता नहीं क्या क्या अलग अलग चीजों पे बात करते हैं हम लोग जैसे कि सी एस के अंदर अल्ट्रावायर्स फिर सेक्शन नंबर्स प्रोविजन ये बड़े बड़े शब्द यूज करते हैं अरे ये सारे शब्द थोड़ी ना कोई साइंस वाले को पता होगा स yes, उनको तो उनका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और ये सब चीज़ें ही करते रहते हैं वो लोग वो सारी चीज़ें हमें नहीं आती है तो इसीलिए ऐसे जो शब्द है जो कि एक पर्टिकुलर फील्ड ऑफ वर्क से रिलेटेड है कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड है नॉलेज से रिलेटेड है कोई प्रोफेशन से कोई ट्रेड से कोई आर्ट से अब जो आर्टिस्ट होती है मेकअप आर्टिस्ट वो कैसे आर्ट करती है और वो क्या ब्रश और क्या ऐसे लगता है कोई मिसाइल के नाम ही बोल रही है ये सारे शब्द हमें यूज नहीं करने अवॉइड करने दीज आर द टेक्निकल वर्ड्स अवॉइड यूजिंग सुपर फ्लरस वर्ड्स और वर्ड्स ऑफ तो वर्बोसिटी जो एक्सेसिव वर्ड्स होते हैं ना यू आर क्यूट ब्यूटिफुल स्मार्ट हैंडसम अमेजिंग आउटस्टैंडिंग माइंड ब्लोइंग अरे इतने सारे शब्द यूज मत करो एक चीज बोलो कि सामने वाले को समझ आ जाएगा वही सेम चीज़ के इतने सारे शब्द भी यूज कर लिए तो भी कुछ नहीं फर्क पड़ जाएगा यस तो अननेसेसरी वर्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं है चूज शॉर्ट वर्ड्स प्रोकेसिनेशन के जगह आप लेजी चूज कर सकते हैं सिलेक्ट वर्ड्स फॉर प्रिसाइज मीनिंग दीदी ये ना बहुत ठंडा भी नहीं है लेकिन बहुत गर्म भी नहीं है मीडियम टाइप का है अरे ये क्या होता है आप ऐसे बोलो ना कि ये लूकुअर्म वाटर है दीदी दिस इज नॉट कोल्ड वाटर दिस इज ऑल्सो नॉट हॉट वाटर दिस इज बीच का वाटर ये बीच का वाटर क्या होता है सो so आप ये बोल सकते हो दिस लूकुअर्म वाटर येस यूज जेंडर न्यूट्रल वर्ड्स अब इसको आप थ्री स्टार मार्क दे देंगे ये वाले पॉइंट को इस पर क्वेश्चन आता ही आता है आपको ऐसे शब्द यूज़ करने हैं जो कि जेंडर न्यूट्रल है क्योंकि आजकल फेमिनिस्ट इतने लोग हैं तो ये हमारा स्ट्रिक्ट ऐसा रूल है कि आप जब कोई भी शब्द यूज़ करो तो ऐसे नहीं लगना चाहिए कि आप कोई स्पेसिफिक जेंडर के बारे में बात कर रहे हो. जैसे चेयरमैन क्या लगता है चेयरमैन कौन होगा कोई ऐसा ओल्ड सा आदमी होगा जो कि बढ़िया ऐसा खड़ूस टाइप का होगा चश्मे उश्मे लगा के मूच होगी यस yes. जब हम चेयरमैन बोलते हैं तो कभी आपने ऐसा सोचा कि चेयरमैन वुमेन भी हो सकती है नहीं तो इसीलिए हमें ऐसे शब्द यूज कर, नहीं करने हैं यू कैन यूज पर्सन इंस्टेड ऑफ चेयरमैन पुलिस ऑफिसर इंस्टेड ऑफ पुलिस मैन समझ आया यस yes. ओके okay. जैसे कि हस्बैंड या वाइफ यूज नहीं करना है स्पाउस यूज करो समझ आया ओके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी यूज नहीं करना है बेटर हाफ माय सिग्निफिकेंट अदर समझ आया ओके मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज दिननिम सिनेम का मतलब है लिख लो मेरे साथ साथ ऐसे शब्द ऐसे शब्द जिनका ऑलमोस्ट सेम मतलब होता है सेम मतलब होता है ऐसे शब्द जो कि काफी ज्यादा सिमिलर ही होते हैं जैसे अगर मैं बोलू गुड नहीं गुड नहीं जैसे मैं बोलू कोल्ड कोल्ड और कूल cool, कोल्ड और कूल cool, ठंडा और ठंडा, दोनों भी ऑलमोस्ट सेम टाइप के शब्द हैं इसीलिए हम इसको सिनेम बोलते हैं जैसे और एक मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ स्टार्ट मतलब कोई चीज़ की शुरुआत करना शुभारंभ करना और अगर मैं आपको बोलूं एम्बाक एम्बाक का मतलब है बिगिन या अगर मैं आपको बोलूं बिगिन स्टार्ट एम्बाक बिगिन ये तीनों भी ऑलमोस्ट सेम टाइप के शब्द ही है कोई चीज़ की शुरुआत ही तो कर रहे हैं शुरुआत दैट इज सिम्स गुड बेटर सिनेिम्स कोल्ड कूल चिल सब सिनेम्स है तो ऐसे शब्द जिसका नियरली सेम मतलब होता है उसे क्या कहा जाता है कहा जाता है? अचीव अकॉम्पलिश एग्जीक्यूट क्या आपने ये यहां पर लिख लिया अगर नहीं लिखा है तो प्लीज लिख लो आगे चल के कंफ्यूजन होगा तब मत बोलना मुझे ठीक है चलो दूसरा है एंटेनिम इज एंटिनिम जब एक शब्द से एग्जैक्ट ऑपोजिट दूसरा शब्द होता है ऑपोजिट मतलब एकदम ही अलग एग्जैक्ट अलग एग्जैक्ट ऑपोजिट उसे एंटेनिम कहा जाता है सो एंटेनिम इज अ वर्ड ऑपोजिट और कॉन्ट्रेरे इन मीनिंग टू अनादर वर्ड एबिलिटी इन एबिलिटी ओरल रिटिन राइट रॉन्ग कोल्ड हॉट हार्ड इजी गुड बैड ब्लैक व्हाइट तो ये दोनों एग्जैक्ट ऑपोजिट होते हैं ऐसे शब्द लिख लो यहाँ पे ऐसे शब्द जो एक दूसरे से एकदम अलग है जो एक दूसरे के एकदम अलग है उसे एंटेनिम कहा जाता है क्या कहा जाता है एंटेनिम कहा जाता है जैसे कि फास्ट स्लो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ऑल राइट सो आ वी गुट टू गो आ वी गुट टू गो यू गाइज बहुत सही एग्जाम्पल्स दिए हैं आपने तो आज के लिए हमारी जो क्लास है उसे समाप्त करते हैं हम मिलेंगे कल हार्डली और दो तीन दिन हमारी क्लास रहने वाली है या शायद एक दो दिन और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया यस yes. तो अगर कोई भी डाउट होंगे कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपको पता है आपको कहां पूछना है इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो सो विद दिस आई विदलेंट द सेशन हियर फॉर टे थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन हैव अ वेरी गुड डे अहेड Bye bye, take care, outro, and don't forget to like the video and leave a comment of yours if you enjoyed today's class so that CS India is motivated for you. Bye bye, outro, see you.